आपने एक फिल्म आई थी देखी होगी तमाशा, स्काई शॉट चलाए जा रहे हैं अभी आसमान के अंदर। वाओ, वजीर को भी मिल गई फ्री यूपी नूडल। ये भाई एंड चमन प्राज खाने के बाद जो ताकत आएगी बशीर के अंदर, अब देख कैसा फील है भाई। भाई पानी बता से बोले, पानी बता से बोले, पानी पूरी, पानी पूरी। ठीक है, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं पुष्कर, तो अभी हमने 7 नॉट जेम्स को देख लिया, जो आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा हुआ ये सारे अजूबे जो कि अजमेर में थे हमने दिखाए, और अभी अपन चल रहे हैं पुष्कर, क्योंकि आज पुष्कर का मेला है, मतलब आज नहीं कल पुष्कर मेला है, अच्छा खत्म है, तो आज अपन चल रहे हैं, आज 7 तारीख है। अभी टाइम हम देख सकते हो कि टाइम हो चुका है 6 बजने वाले। सो भाई मोहित चौहान तो आ ही रहे हैं, कौन आता कौन नहीं आता भाई, पुष्कर की नाइट लाइफ इन्जॉय करते अपन चल के। तो चलो चलते सीधा पुष्कर। तो पुष्कर मेले में चलने से पहले अपन यहाँ रुके हैं, और अभी भूख लग रही है, सोच रहे हैं आलू टिकिया खाने की, क्योंकि अपनी फेवरेट आलू टिकिया। सो यहाँ से भाई अपने रंजीत जी आलू टिकिया ले रहे हैं। निकल चुके हैं आलू टिकिया खा के पुष्कर के लिए, देख सकते हो आप बोर्ड वोर्ड भी आ चुका है, एंड फाइनली गोप्रो का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपना भाई। तो आज तो भाई बहुत ट्रैफिक होने वाला है, अभी से आपको ट्रैफिक की झलक दिख गई होगी, दूर दूर तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही दिख रही है, एंड इसमें भाई सब हैवी ड्राइवर है तो कुछ कह नहीं सकते, अपन को भी हैवी ड्राइव बन के ही चलानी पड़ेगी गाड़ी। सो ये कुछ नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, अभी नाइट का व्यू है तो विजिबिलिटी लो ही मिलेगी, तो और आपको पता है नाइट में वीडियो शूट करना अपने आप में एक बड़ा भारी टास्क हो जाता है, बट कोई ना अपन स्टिल ट्राई करते रहेंगे। तो सोच रहा था कभी ऐसे मैं नाइट में राइड करूँ और आप लोग के साथ मतलब व्लॉग भी करूँ, जो कि आज पॉसिबल हो पाया। भाई किधर ले रहा भाई, अरे यार देख सकते हो सामने, देखो क्या ही नज़ारा है, और आप देख सकते हो सामने बोर्ड आ चुका है तीर्थराज पुष्कर। अभी कुछ ही देर में अपन पहुँचने वाले हैं पुष्कर, तो यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर सिर्फ और सिर्फ पुष्कर के अंदर ही है, और यहाँ पे महाराणा प्रताप का स्मारक भी है, तो दो स्मारक है, एक यहाँ पे है। गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा और मुझे तो डर भी लग रहा है भाई, सही कहता हूँ, लिटरली देखो गाड़ी ऐसे बंद हो जाती है, और अब देखो भाई अब क्या ही सीन है भाई, अरे यार घाटी वाला सीन, अब ये गाड़ी अगर पीछे रहे ना, ये देखो गाड़ी ऐसे निकल रही है, मतलब क्या ही गवर बोल रहा भाई, बच गया मैं, अब भी जाते हैं, मतलब ऐसा सीन है, रिस्की सीन है। तो फाइनली पुष्कर घाटी में तो अपन प्रवेश कर चुके हैं, और भाई यहाँ पे जितना मुझे डर लगता है ना, तो मैं कहीं भी राइड करूँ मुझे डर नहीं लगता है, जितना कि यहाँ पुष्कर घाटी में राइड करने में दिक्कत डर लगता है, और रात के टाइम में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं जो गाड़ी आ रही है वो तो रुकने से रही, और ब्रेक जो फेल हो जाओ तो फिर गए भाई। और अब आपको मैं दिखाता हूँ जो नज़ारा भाई, देखना आप, और ये जो नज़ारा अजमेर का आप देखोगे, अभी तो फिर भी कम ही है, बट फिर भी भाई एक तो महाराणा प्रताप का स्मारक दिख रहा है आपको, आपको भी आओ यहाँ पर घूमना, काफ़ी अच्छा लगता है। सो फाइनली गाइस मेले में तो पहुँच चुके हैं अपन, और ऐसा कुछ व्यू अभी तो मतलब मेले में आधे घुसे अपन, आगे देख सकते हो भीड़ जो दिख रही है, एंड भाई जो चाहिए क्या लेगा भाई तो यहाँ से अपने बच्चों के लिए बस ही अपने बच्चों के लिए लेके जाएगा यहाँ से। सो गाइस यार अभी यहाँ पे मोहित चौहान भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे अपन। काफी सारी झांकियां बनी हुई है, एंड मतलब काफी कुछ सिखाती भी है, ये सारी चीजें दिखाई गई है, सारे तो आपको नहीं दिखा होगा, बड़े मेले जो एंजॉय करेंगे वो आपको दिखाई गए। मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए भी दिखाया गया, काफी सारे सीन हुए, टच करना है और स्टार्ट हो जाएगी फिर वो ये सारी चीज, और भी सेल्फी होगी अच्छे से, एंड यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे बैठो आप और वीडियो शूट कर सकते हो।
यहाँ पे कुछ शॉपिंग चल रही है इनकी, एंड यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप भी है जहाँ पे अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप फ्री में चेकअप करा सकते हो यहाँ से। मेडिकल अगर का जो मिस कॉल करेंगे अपन तो फ्री में अपन को यूपी नूडल्स मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे भाई लोग सब लग चुके हैं कि फ्री के अंदर देखते हैं नूडल लेने के लिए। पूरी ट्राई कर रहे हैं बट SMS ही नहीं आ रहा है यहाँ पर यार। बशीर को भी मिल गई फ्री यूपी नूडल, ये भाई फ्री में। दो चीज अच्छी मिल गई, एक तो हमें दो चाय फ्री मिल गई है और यूपी नूडल्स, दो नूडल्स फ्री मिल गए। ये मस्त मजा आ गया, मतलब फ्री की चीज का अलग ही मजा होता भाई। मेले स्काई शॉट चलाए जा रहे हैं अभी आसमान के अंदर। वाओ क्या ही मजे भाऊ। ओ भाई मेरा 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 भाई मेरा। मिल जाएगी आपको अगर आप लेना चाहो तो पुष्कर मेले से, अगली बार अगर लेना चाहो तलवारे में मिल जाएगी आपको यहाँ से। बाकी भाई लोग अपने ढूंढ रहे हैं तिलकुट्टा, क्योंकि यहाँ तिलकुट्टा काफी प्यारा मीठा अच्छा लगता है। तिलकुट्टा खाना भाई को यहाँ का पुष्कर का। तो आप में से भी काफी सारा लोग मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सबसे नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि भाई भीड़ ज्यादा है। ऐसे नहीं, फॉरेन से भी काफी सारे लोग यहाँ पे मेला देखने के लिए। एंड जूतियाँ मोजड़े आप लेनी हो तो यहाँ से मिल जाएगी आपको, मोजड़ी वोजड़ी भी तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। वाला गेम मैंने बचपन में काफ़ी ट्राई किया था लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता था रिंग के अंदर से, एंड आज ट्राई करने वाले ले रहे हैं अपन रिंग। तो ये लो साहब 5 रिंग मिल चुकी है, थोड़ी कितने ले लो। तो रंजीत फेंक रहा अभी, रंजीत फेंक, अरे भाई गई दूसरी फेंक रहा भाई रंजीत, अरे यार थोड़ा बच गया भाई ठीक है। अरे यार और पास में फेंक, पास में टैलेंट घुस चुका है, एक भी नहीं गई लेकिन भाई कह रहा है एक लेंगे यार, तो चल लेते हैं, चलो लेते हैं। 20 तो कर चुके हैं, 20 और निकाले जा रहे हैं, एंड काफी मजा आ रहा है इस गेम में। ट्राई कर रहे हैं अभी रंजीत बाबा ही ट्राई कर रहे हैं भाई, थोड़ा बच गया भाई यार, तो स्कैम है पूरा यार भाई। भाई दिल चुका 40 रुपए गए भाई यार। तो भाई शॉपिंग करने के लिए अनलिमिटेड चीजें यहाँ पे, तिलकुट्टे की दुकान पे आ चुके हैं, यहाँ से लेते हैं तिलकुट्टा। एंड भाई साहब दे रहे हैं तिलकुट्टे, कितने के दे रहे भाई साहब? ये 30 रुपए का 100 ग्राम है, 20 रुपए का 100 ग्राम। क्या क्या फर्क है भाई साहब इसमें? इसमें दिल्ली गुड़ है, इसमें दिल्ली कोबरा इलायची, कोबरा इलायची इसमें गुड़ है ना। मेला भाई क्या ही मेले का मजा भाव, टिकिया मिल रही इधर, टिकिया ट्राई करते हैं जो भाई बोले तो। क्या बोलते भाई, कपड़ों के स्टोर में घुस चुका है पर पता ही नहीं चल रहा मतलब किधर जा रहा है, इधर से उधर घुसते जा रहे हैं। छोड़ चुरा के लिए ले गई पर रो ही बचा, छोड़ चुरा ही को नहीं। अरे यार एंड चमन प्रास खाने के बाद जो ताकत आएगी बशीर के अंदर, अब देख कैसा फील है भाई। बशीर के लिए ग्रीन टी लिए, बशीर पी नहीं रहा, बशीर पी रहा ग्रीन टी। घटक जा आँख बंद करके, घटक जा, घटक जा। बेस्ट रिएक्शन देखो भाई, अच्छी लगी आप ले जा सकते हो यहाँ पे आके, बाकी सारा सीन है खेल वेल भी चौपड़ सकते हो आप। नव रत्न ठंडा ठंडा कूल कूल लगाया है। सोच रहा था अपनी होने वाली वाइफ के लिए लेने के लिए, लेकिन क्या करे अभी वाइफ ही नहीं है तो क्या ले बसीर अभी इनमें से। ले लिए तू, ले कुछ वीडियो चटपटा इधर पटाखे ठेला है यहाँ पे, आ जाओ भाई क्या खान जाओगे तुम बताओ। तो इसका मालिक तो पता नहीं कहाँ गया है, अभी अपन लगाते हैं सब डिसमिस करके। भाई पानी बता से वाले, पानी बता से वाले, पानी पूरी, पानी पूरी लगाओ भाई। ने टोकन ले लिया हमने, यहाँ से दही बड़े और आलू टिक्के खाते हैं।
फाइनली काफी सारी चीजें खा ली हमने यहाँ से पीछे सोडा, क्योंकि सोडा पीना जरूरी है यार, तो सोडा पीते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं ग्राउंड के अंदर और वहाँ पे आ रहे हैं आज मोहित चौहान, तो उनके गाने एंजॉय करते हैं। चलो शैलेंद्र भैया मिल चुका मैं, 500 रुपए जीत लिया भाई ने, 500 जीत लिया। सो गाइस शोर काफी ज्यादा हो रहा है लेकिन मोहित चौहान आ चुका था, अपन भी चल के एंजॉय करते हैं अभी। आ जाओ भाई लोग, घूमना मत यार तुम लोग। मोहित चौहान तो आ चुका है, पब्लिक देख सकते हो पीछे आप भीड़ जो देख रहे हो। आपने फिल्म आई थी देखी होगी तमाशा, बगल में आया ही ना नकल में हुआ है जो छुपाना, चाहे सलाना या मरदाना, अटेंशन का नया पासा तेरे कई जासा, मुझे फंसा तेरी ऐसी क्यों तेरी जिंदगी। चौहान को बड़ी स्क्रीन के अंदर देखते हैं क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। गिटार ले लिया भाई ने, तो अब गिटार ले लिया उन्होंने, तो अब शायद हो सकता है अच्छा गाना गाए। बाकी तो इतना मजा नहीं आया, एक दो गाने में डिंग डिंग वाले मजा आया था। सुबह इस पुष्कर मेले के अंदर घूमना हो गया, मोहित चौहान के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े हुए हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग चल रहे हैं उनके अभी भी, लेकिन अभी फ्लॉग यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी अभी लो हो चुकी है, तो इसको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। एंड अभी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और बता रहे हैं क्या आपको अच्छा लगा इस मेले के अंदर। बाकी में हम मेला इन्जॉय करते हैं सब उधर खड़े, एंड इस व्लॉग यहीं समाप्त करना पड़ेगा, माफ़ ही चाहता हूँ आगे जो भी करेंगे वो दिखा नहीं पाएंगे आपको, लेकिन अभी मेला इन्जॉय करते हैं और